पुलिस कर्मचारी हैं आप? यस सर, पुलिस कर्मचारी हैं। गेट तोड़ दिया है? गेट तोड़ दिया पब्लिक ने। अरे भाई मलकी जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? तेजेंद्रपाल बग्गा इसी गाड़ी के अंदर है, आप देख सकते हैं। फिलहाल तेजेंद्रपाल बग्गा को लेकर जाती हुई पुलिस नजर आ रही है। दिल्ली से इन्हें गिरफ्तार किया और उसके बाद अब फिलहाल पुलिस इसी गाड़ी के अंदर तेजेंद्रपाल बग्गा को कुरुक्षेत्र की तरफ लेकर जाती हुई नजर आ रही है। PB65 ये मोहाली का नंबर है और फिलहाल आप देख सकते हैं तेजेंद्रपाल बग्गा को कुरुक्षेत्र की तरफ पुलिस लेकर जाती हुई नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं फिलहाल वो काफिला वापस दिल्ली की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शायद इस काफिले को कुरुक्षेत्र लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि कुरुक्षेत्र से अम्बाला के बीच तेजेंद्रपाल बग्गा को जो उनकी गाड़ियां हैं उन्हें रोक लिया गया था। पंजाब पुलिस की गाड़ियों को हरियाणा पुलिस ने रोक लिया था, क्योंकि दिल्ली से इनपुट मिला था कि कौन इन्हें लेकर जा रहा है। एक बार आप इस बात की चेकिंग जरूर कर लीजिएगा। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि वो जो काफिला है पुलिस का वो वापस मुड़ता हुआ नजर आ रहा है और वापस दिल्ली की तरफ रुक कर रहा है। शायद इन्हें कुरुक्षेत्र के पुलिस स्टेशन में लेकर जाया जाएगा। आपको बता दें कि विवादित मामले में तेजेंद्रपाल बग्गा की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने किसी मामले के अंदर कोई टिप्पणी कर दी थी, विवादित टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद मोहाली में साइबर सेल में उनके खिलाफ मामला दर्ज होता है। पंजाब पुलिस कई नोटिस भेजती है, उसके बाद जो है उस नोटिस का कोई जवाब नहीं मिलता है और ऐसा जो है पंजाब पुलिस के अधिकारियों का कहना है, और उसके बाद आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं तमाम दिल्ली बीजेपी के नेता तेजेंद्रपाल बग्गा के जो परिवार के सदस्य हैं वो दिल्ली के अंदर एक अपहरण का मामला दर्ज करवाते हैं कि तेजेंद्रपाल बग्गा का किसी ने अपहरण कर लिया है। और उसके बाद जो पंजाब पुलिस का काफिला है वो दिल्ली से पंजाब की तरफ जब आगे की तरफ बढ़ता है तो कुरुक्षेत्र से आगे अम्बाला की तरफ इस काफिले को हरियाणा पुलिस रोक लेती है और लगातार पूछताछ करती है। तमाम आईपीएस अधिकारी हरियाणा के पंजाब के यहाँ पर मौजूद थे ताकि कोई भी यहाँ पर हंगामा खड़ा ना हो, लेकिन जो तमाम भाजपा युवा मोर्चा के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने सरकार केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। और फिलहाल आप देख सकते हैं
पंजाब पुलिस का काफिला जो है वापस कुरुक्षेत्र की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आगे क्या कुछ होगा, पल पल की जानकारी, पल पल का अपडेट आपको करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम देते रहेंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पुलिस कर्मचारी हैं आप? यस सर, पुलिस कर्मचारी हैं। गेट तोड़ दिया है? गेट तोड़ दिया जी पब्लिक ने। मलकी जी क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर? गेट वगैरह ये हम आपको थानेसर के सदर थाने की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं पंजाब पुलिस है, साथ ही साथ हरियाणा पुलिस है, और इसके अलावा जो तेजेंद्र पाल बग्गा हैं, बीजेपी के दिल्ली के प्रवक्ता हैं, उन्हें अरेस्ट करके जो यहां कर आई है, और फिलहाल इन्वेस्टिगेशन उनकी तरफ से की जा रही है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पर पुलिस है, और जो दिल्ली से पुलिस पंजाब की तरफ इन्हें लेकर जा रही थी, लेकिन कुरुक्षेत्र में रास्ते में इन्हें रोक लिया जाता है, और उसके बाद इन्हें अब सदर थाना थानेसर में जो है हरियाणा और पंजाब पुलिस लेकर पहुंची है, और पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं तेजेंद्र पाल बग्गा को लेकर जाती हुई पुलिस नजर आ रही है, थानेसर का जो सदर थाना है उसके अंदर लेकर गई है पुलिस। पंजाब पुलिस भी यहां पर है, हरियाणा पुलिस भी यहां पर है, और तमाम आईपीएस अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली से सूचना मिली थी कि कुछ गाड़ियां निकली हैं दिल्ली से पंजाब की तरफ, और उनकी चेकिंग की जानी चाहिए, और ऐसे में हरियाणा पुलिस कुरुक्षेत्र और शाहबाद के बीच तेजेंद्र पाल बग्गा को जो गाड़ियां लेकर जा रही थी उन्हें रोकती है। तमाम डॉक्यूमेंट उनके चेक किए जाएंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर तेजेंद्र पाल बग्गा के मामले के अंदर अपहरण का मामला दर्ज हो गया है, और ये मामला दिल्ली के तमाम बीजेपी के नेताओं ने, उनके परिवार के सदस्यों ने करवाया है, और आप देख सकते हैं कि इस पूरे मामले के बाद राजनीति गर्मा गई है। किसी विवादित टिप्पणी के बाद उन्हें अरेस्ट किया गया, जिसके बाद दिल्ली के अंदर आज सुबह उनके आवास पर पुलिस पहुँचती है, उन्हें अरेस्ट करती है, और उसके बाद पंजाब की तरफ निकलती है, क्योंकि साइबर सेल मोहाली के अंदर
मामला दर्ज हुआ था, पंजाब पुलिस ने उसके बाद गिरफ्तार किया है। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थानेसर के अंदर जो सदर थाना है वहाँ पर पंजाब पुलिस के अधिकारी, हरियाणा पुलिस के अधिकारी हैं। और ऐसी सूचना दिल्ली पुलिस की तरफ से हरियाणा पुलिस को दी गई थी कि ऐसी गाड़ियों को रोका जाए जिनका नंबर PB65 से शुरू होता है और उनसे पूछताछ की जाए। और उसके बाद लगातार अब हरियाणा पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं वो डॉक्यूमेंट चेक करती हुई नज़र आ रही हैं, तमाम जानकारी जुटाती हुई नज़र आ रही हैं। पूरा मामला राजनीति से भी जुड़ा हुआ है और ऐसे में तमाम जो राजनेता हैं वो इस मामले में बयानबाजी देते हुए नजर आ रहे हैं। खड़े हैं थानेसर थाने के बाहर और हमारे साथ बीजेपी युवा मोर्चा के कई नेता हैं। आपके नेता को लेकर आए हैं, पंजाब लेकर जा रहे थे, क्या कुछ आपकी तरफ से विरोध किया जा रहा है यहाँ? अभी हम हमारे कार्यकर्ता आए हैं, हमने पुलिस से रिक्वेस्ट की थी कि अब एक बार मिलने तो दिया जाए। जिस प्रकार से वो उनको पकड़ के लेके आ रहे हैं, उनके मुँह पे नकाब बांधा हुआ है, ऐसे कोई लेके आता है क्या? वो एक आम मुजरिम ही तो है, कोई मुजरिम भी नहीं है असल। तो वो टिप्पणी तो की थी उन्होंने केजरीवाल के ऊपर, मतलब राजनीतिक द्वेष इतना बढ़ गया कि आप किसी को भी कहीं से भी उठा लोगे, ये बहुत नाइंसाफी है। आने के बाद काफी हंगामा भी देख जी वो हमें अंदर नहीं जाने दे रहे थे, भाई हमारा लोग है, कम से कम हमें तो मिलने दो। हम पूछे तो भाई पानी दिया है, कुछ खाने का दिया है, नहीं दिया है। तो बस इसीलिए हम लोग कर रहे थे कोशिश के एक बार से बात करके अंदर जाया जा सके, इतना प्रयास हम लोग कर रहे थे। तो आगे अब आपकी क्या प्रयास रहेगा क्योंकि उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है मोहाली? नेशनल मीडिया इंचार्ज आए हैं, स्टेट की पूरी टीम यहाँ पर पहुँच रही है, जिले से भी जो लोग होंगे वो आएंगे यहाँ पर। अभी फिर अब आगे का हम लोग मामला देखेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं होगा। तो तमाम आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग पहुँचे हुए थे। मंजीत सिंह जी है, मंजीत सिंह जी आपने क्यों रोका इन्हें जो पंजाब से पुलिस आ रही थी, कोई इनपुट मिला था? कुछ ऐसा था कि किसी व्यक्ति को गाड़ी में ले रखा है और उस चीज़ को क्रॉस चेक करने के लिए इनको रोक के हालात वेरीफाई करेंगे, जो भी होगा न्याय संगत वो कर दिया। तो यहाँ पर हंगामा वगैरह नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए दो पक्ष जब आते हैं तो थोड़ा बहुत तो होता ही। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है अंदर? हाँ वो चली पूरी अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मंजीत सिंह हैं जो इंस्पेक्टर हैं यहाँ पर। तमाम भाजपा के जो युवा मोर्चा के नेता थे उनसे भी हमने बातचीत की और फिलहाल लगातार अंदर पूछताछ जारी है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है पूरे मामले की। और साथ ही साथ यहाँ पर तमाम लोग जुटे हुए हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पूरा मामला क्या है वो हम आपको एक बार बता देते हैं। दिल्ली में आज गिरफ्तारी होती है तेजेंद्र पाल बग्गा की, जो दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने विवादित बयान दे दिया था, ऐसे उन पर आरोप लगे। साइबर सेल मोहाली के अंदर मामला दर्ज हुआ, पंजाब पुलिस ने कई बार नोटिस भेजा, पंजाब पुलिस ने आज गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पहुँचती है, उन्हें गिरफ्तार करती है, वापस दिल्ली से पंजाब की तरफ लेकर आ रही थी, लेकिन कुरुक्षेत्र में रोक लिया जाता है। और जब कुरुक्षेत्र में रोका जाता है तो हरियाणा पुलिस के तमाम अधिकारी यहां पर पहुंचते हैं। वहीं दिल्ली में अपहरण का मामला दर्ज हो जाता है कि तेजेंद्र पाल बग्गा का अपहरण हो गया है। कपिल मिश्रा से लेकर आदेश गुप्ता, तमाम बीजेपी के नेता केजरीवाल सरकार के खिलाफ, भगवंत मान सरकार के खिलाफ टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। और सदर थाना थानेसर के बाहर हंगामा भी देखने को मिला है। आगे इस मामले में क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन की जाती है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी हरियाणा पुलिस को कि इन गाड़ियों की चेकिंग जरूर होनी चाहिए, दस्तावेज जरूर देखने चाहिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर अपहरण का भी मामला दर्ज हो चुका है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ।